एनीवेज चलो आज हम मेकअप ब्रशेस की बात करेंगे। आपको दिख ही रहा होगा मेरे पास यहाँ पे सारे मेकअप ब्रशेस हैं, लेके आ गई हूँ सारे ब्रशेस। अच्छा ये एक इसी वीडियो में मैं लास्ट में बताऊंगी मेकअप किट की वीडियो, सॉरी मेकअप ब्रश की किट की वीडियो। मतलब अगर आपका ज़्यादा बजट नहीं है और आप कम से कम ब्रशेस यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो कम से कम ब्रशेस आपका किट बना के आज मैं बता देती हूँ। तो मेरे पास कुछ इतने ब्रशेज हैं। सबसे पहले फेस ब्रशेज की बात करते हैं, तो आप सबको पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है स्टिपलिंग ब्रश कफ्स एंड लैशेस का। ये है CS11 ब्रश कफ्स एंड लैशेस का, लैशेस का। सो दिस इज माई फेवरेट, माई गो टू फाउंडेशन ब्रश। आई लव इट। स्पेशली इसका कॉम्बिनेशन विथ द क्रीम फाउंडेशन लाइक शुगर का, जो अभी न्यू लॉन्च हुआ था 24 आवर वाला, कवर पॉट्स, सारे फाउंडेशन को मैं क्या करती हूँ, बैक ऑफ हैंड पे लेती हूँ, रब थोड़ा सा स्प्रेड करती हूँ, फिर मैं इससे अप्लाई करती हूँ, ब्लेंड करती हूँ। ये मुझे कवरेज भी देता है, दैट्स द बेस्ट थिंग। आई जस्ट लव। ये थोड़ा सा स्टिफ है, थोड़ा सा, जिसकी वजह से ये अच्छी खासी ब्लेंडिंग दे देता है। बाकी मार्केट में कन्फ्यूज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको कबूकी ब्रश दिखा देती हूँ। तो ये है मेरे पास दो तरह के कबूकी ब्रश, एक है ये कफ्स एंड लैशेस का F21 और ये क्या है, ये स्विस ब्यूटी का। तो मैंने स्विस ब्यूटी का ना किट ले लिया था, परचेस कर लिया था, रिव्यू किया था आप लोगों के लिए कि वो वर्थ करता है कि नहीं, उसमें फेस ब्रशेस और उसमें आई ब्रशेस भी मिलते हैं, तो वो वर्थ करता है कि नहीं। तो अगर मैं सच में कंपेयर करूँ इसके साथ इसको, तो बनता ही नहीं है, क्योंकि पता है ये दोनों ही फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश है, बट ये वाला स्विस ब्यूटी वाला अल्ट्रा सॉफ्ट है, ब्यूटी ब्लेंडर जैसे होता है ना बिल्कुल, ये वैसा है। नेक्स्ट अभी हम पाउडर ब्रश की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 3 पाउडर ब्रश है, आप देख सकते हो। अगेन जो ये कफ्स एंड लैशेस वाला है, ये जिस शेप में है, ये स्विस ब्यूटी वाला जो सेम शेप में है, और ये एक और है, ये भी सेम शेप में है। तो अगर आप पूछोगे आपको कौन सा पसंद है, तो देखो फेस हमारा बहुत बड़ा नहीं होता है, मतलब हम पाउडर से सेट करते हैं फेस को, तो ये वाला ना मुझे थोड़ा सा बड़ा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे थोड़ा पसीना हो रहा है, तो प्लीज़ डोंट माइंड, हाउ फैन वगैरह ऑफ है, तो ये वाला ना थोड़ा बड़ा पड़ जाता है, मतलब जब भी मैं अप्लाई करती हूँ। अगर मुझे फुल फेस को सेट करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, फटाफट से सेट कर देता है। बट अगर मुझे चाहिए कि नहीं सिर्फ मुझे अंडर आई से बेकिंग को रिमूव करना है, तो मुझे ये अच्छा लगता है। तो इससे क्या है कि आप फिर भी ब्लश मैं कहूँगी अप्लाई कर सकते हो, कॉन्टोरिंग नहीं कहूँगी पर मैं ब्लश कहूँगी कि आप अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे ये वाला ब्रश इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं हटा देती हूँ, बट मुझे ये दोनों ब्रशेस पसंद है। ओके, तो अभी इसको साइड रखते हैं। नाउ अभी हम फटाफट से ब्लश ब्रश पे आ जाते हैं, ब्लश, कॉन्टोरिंग, हाईलाइटिंग। तो मेरे पास ना ये कलर बार का भी है, तो कलर बार का सच में ना इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत सॉफ्ट है, अल्ट्रा सॉफ्ट, एकदम लाइक ग्लू ग्लू है। तो जब भी मैं इससे ब्लश अप्लाई करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात इसका जो शेप है, अगर आप देख सकते हो तो ये थोड़ा सा चिपटा सा है, जैसे आपने हैक में देखा होगा ना ब्लश ब्रश के ऊपर ऐसे सेफ्टी पिन लगा के उसको चिपटा करते हैं, ये ऑलरेडी उसी शेप में है। तो आपको अगर ब्लश अप्लाई करना है तो इसका इस साइड से आप ब्लश अप्लाई कर लो, अगर मतलब इसको इस तरह से प्लेस करो, इस तरह से चौड़े से, और अगर आपको कॉन्टोर करना है इसको ट्विस्ट कर दो, ऐसे कर दो, आपका कॉन्टोर लग गया। और ये ऑलरेडी यहाँ से फ्लैट है तो अपना हाइलाइटर भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगेन आप इससे पूरा यूज़ कर सकते हो, बट ये बहुत सॉफ्ट है, इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट। बट अगर आप नहीं चाहते हो, ये थोड़ा महंगा पड़ रहा है आपको, तो मैं आपको एक ही ब्रश रिकमेंड करूँगी, विच इज़ कफ्स एंड लैशेज F12। आई लव दिस। ओके नाउ अभी ना एक कंसीलर ब्रश है मेरे पास, लिटरली यू मस्ट हैव, आपके पास एक कंसीलर ब्रश होना चाहिए। कफ्स एंड लैशेज का ऑलरेडी एक एंगुलर वाला है कंसीलर ब्रश, जो कि ये वाला होगा, इसका जो आप ये देख सकते हो शेप, ये मुझे पसंद है, मैं नहीं बोलूँगी पसंद नहीं, बट जब से मैं इसको यूज़ करने लगी हूँ, इट्स F19 ब्रश फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मेरे अंडर आइज पर भी अच्छे से ब्लेंडिंग देता है, इनर कॉर्नर वगैरह पे अच्छी ब्लेंडिंग, मतलब उससे ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगता है। वो क्या करता है, थोड़ी लाइन्स ही क्रिएट कर देता है, ये लाइन्स क्रिएट नहीं करता, लिटिल एब्जॉर्ब कर लेता है प्रोडक्ट, बट बेटर नेचुरल फिनिश देता है। ये हो गया फेस की बात, लेकिन कई लोग ना ब्यूटी ब्लेंडर से भी मेकअप करना पसंद करते हैं, लाइक मी, मुझे कम समटाइम्स लगता है कि जैसे लिक्विड फाउंडेशन होता है ना, तो वो आपका इस ब्रश से अच्छा ब्लेंड नहीं होगा, वो लाइन्स ही बना देगा, लाइन बना देगा, क्योंकि वो सीपन नहीं होता आपकी स्किन में, इंस्टेंट ड्राई नहीं होता। तो इफ़ यू आर यूजिंग थिक क्रीमी बेस वाला प्रोडक्ट, लाइक लेट मी जस्ट गिव यू एग्जाम्पल, लाइक कवर पॉट्स, जैसे वो क्रीम में है तो ये अच्छा ब्लेंड करेगा। बट इफ़ यू हैव लाइक लिक्विड फाउंडेशन लाइक मेबलिन पिट मी, सो इट्स बेटर टू यूज ब्रश बिफोर ब्रश, उससे स्प्रेड कर लो, इसके बाद जस्ट डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेके डैब डैब कर दो, पहला स्टेप।
उसके लिए मुझे ये ब्रश बेस्ट लगता है बिकॉज दिस इज लिटिल बिट बिग फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश. दिस इज CS02 गाइज एंड आई रियली लव दिस बिकॉज देखो ये हमारा है मान लो बाउंड्री और ये हमारी क्रीज है, तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं इससे और एक लाइटेस्ट शेड, मतलब जितना हम आई मेकअप करेंगे आगे जितने कलर्स पिक करेंगे उसमें से जो जब सबसे लाइटेस्ट शेड होता है वो हम अपने यहाँ पर अप्लाई करते हैं. ओके तो ये वाला ब्रश इज परफेक्ट. ओके अगेन तो जो बिग ब्लेंडिंग वाली बात मैं बता रही हूँ उसमें मेरे पास दो ब्रश है, एक है CS02 और एक है CS09. तो ये 9 है ये 2 है, आप देख सकते हो दोनों लगभग सेम है. तो आप मैंने दोनों रख लिया है क्योंकि क्या होता है ना समटाइम्स इट्स बेटर टू कीप अ क्लीनर ब्रश ऑल्सो. अच्छा है अभी सेम उसी तरह से मैं अगर बात करूँ तो मेरे पास है ये कफ्सन लैशेस का ही CS04 और E005. अब ये दोनों ब्रश जो है वो उनसे छोटे हैं साइज में और ज़्यादा प्रिसाइज एप्लीकेशन देते हैं क्रीज पे. तो दिस इज क्रीज ब्लेंडिंग ब्रश, वो थे ट्रांजिशन ब्लेंडिंग ब्रश और ये है क्रीज ब्लेंडिंग ब्रश. अब ये क्या करेंगे देखो, आपने यहाँ पे ट्रांजिशन लगा लिया, अब ये थोड़ा सा आपको ऐसे पकड़ना है, देखो ऐसे ऐसे पकड़ के यहाँ पे नीचे देखते हुए ऐसे करके अप्लाई करना है. इससे क्या होगा जब आप अप्लाई करोगे तो आपका डेप्थ आता है क्रीज में. लाइक लेट्स से एकदम लाइटेस्ट शेड आपने ट्रांजिशन पे लगाया विद दैट द ट्रांजिशन ब्लेंडिंग ब्रश, इसके बाद आपने थोड़ा सा लाइक ये पिंक कलर ले लिया और आपने क्रीज में लगाया बट यू आर नॉट गेटिंग द डेप्थ. तो उसको ऐड करने के लिए हम नेक्स्ट ब्रश यूज करेंगे. अगेन यहाँ पे दोनों में से कोई एक ले सकते हो आप, वॉट एवर यू लाइक. आई पर्सनली प्रेफर दिस E005, आई लाइक दिस बिकॉज डेप्थ ऐड करने के लिए यू हैव टू यूज अ इन्वर्टेड ब्लेंडिंग ब्रश जो कि थोड़ा सा ऐसे इन्वर्टेड होता है. अब ये क्या करता है देखो, मेरे पास है क्या कफ्सन लैशेस का CS06, ये थोड़ा सा बड़ा भी है और ज्यादा मतलब फैला के आपको डेप्थ देता है, ठीक है. बट इफ यू वॉन्ट एकदम प्रिसाइजली कि मतलब इससे डीपर बेरी होता है जैसे इससे डीपर ये, तो आपने ये वाला लगा लिया क्रीज पे, अब ये वाला आपको डेप्थ देना है तो फिर आप ये वाली ब्रश यूज करना. दिस इज स्विस ब्यूटी की ब्रश. अब आउटर वी के लिए मेरे पास एक अननोन कोई ब्रांड का ब्रश है, आई डोंट नो ये क्या नाम है इसका, तो मैं यूजुअली इसको यूज करती हूँ बट इट इज लिटिल बिट हार्श. तो मैं क्या करती हूँ ना, आई यूज यू नो ये वाली ले लेती हूँ या फिर जो भी मेरा ट्रांजिशन वाला रहता है उसी को आउटर वी पे अप्लाई कर लेती हूँ. तो इसके बाद हमारा आता है इनर कॉर्नर. देखो इसके बाद यहाँ पर भी हम अप्लाई करते हैं फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से, फिंगर से भी बहुत लोग अप्लाई करते हैं बट इफ यू वॉन्ट कि नहीं प्रिसाइज, तो प्रिसाइज के लिए यू हैव टू यूज अ फ्लैट शेडर ब्रश. सो मैं आपको रिकमेंड लिटरली करती हूँ, हाँ मैं आपको रिकमेंड करती हूँ ये वाले ब्रश. दिस इज कफ्सन लैशेस की E004. दिस इज अ फ्लैट शेडर ब्रश और ये इतना फाइन इतना स्मूद है कि आप ऐसे आंख बंद करके मतलब अच्छे से अप्लाई कर सकते हो. इट्स लवली ब्रश, मस्ट हैव. नाउ ये वाला जो अभी अभी मैं आपको दिखाती हूँ लोअर लैश लाइन के लिए, तो लोअर लैश लाइन के लिए ना मेरे पास आइस मजर ब्रश जिसे हम कहते हैं या फिर हम पेंसिल ब्रश कहते हैं बहुत लोग इसको कहते हैं, बहुत लोग मतलब मेन इसका जो आप शेप देखोगे वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होता है, स्मजर ब्रश भी कहते हैं बहुत लोग इसको, ठीक है. तो ये मेरा फेवरेट है कलर बार का, दिस वन बहुत फाइन बहुत स्मूथ. बट कफ्सन लैशेस का CS03 भी बहुत अच्छा है, कफ्सन लैशेस का E006 भी बहुत अच्छा है और ये स्विस ब्यूटी का भी बहुत अच्छा है. एंड एक होता है ना आपने देखा होगा आई स्मजर ब्रश, कभी कभी मैं आपको बताती हूँ कि काजल लगा के थोड़ा सा स्मज कर दोगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, प्रोफेशनल टच आता है. तो वो उसके लिए I really love this brush. This is Kufsan Lashes E003. This is perfect, guys. You have to own this brush. Like, ये best brush है. I love it. But अगर आप Swiss Beauty या Kufsan Lashes देखोगे तो आपके back side में spoolie भी मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा होता है, convenient होता है. आप इस side से अपने eyebrows को fill करो और इस side से आप ये करो. और क्या होता है, और तो ज़्यादा कुछ अभी आपको apply करने की ज़रूरत नहीं है. आईलाइनर ब्रश समटाइम्स जरूरत पड़ जाती है कि आईलाइनर ब्रश भी चाहिए, तो मेरा दो फेवरेट है. एक है ये कफ्सन लैशेस शाई स्टाइल का CS008, ये थोड़ा सा यू नो इनवर्ट क्या बोलते हैं एंगुलर है. एंड मेरे पास चीपर ऑप्शन में ये वेगा का था जो कि आज तक मेरे साथ है, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है. बट ये थोड़ा सा स्टिफ है, ये थोड़ा हार्ड है, तो इससे काफ़ी अच्छी कट क्रीज वगैरह लग जाती है. ये थोड़ा सा सॉफ्ट पड़ जाता है इस मामले में, तो अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाती उससे. तो चलो अभी फटाफट रीडू कर लेते हैं क्या क्या हमने देखा. तो देखो ट्रांजिशन के लिए मैंने आपको दो बताया,
एक ये, ये एक ये, आप दोनों में से कोई भी रख सकते हो, मैं ये वाली प्रेफर करती हूँ। दिस इज CS09। इसके बाद हम अप्लाई करते हैं क्रीज ब्रश। अब क्रीज के लिए आई रियली रियली लव कर्सल एशेस की ये वाली E005 है। ये डेप्थ के लिए ब्रश यूज करते हैं और ये एक थोड़ा सा ब्रॉड डेप्थ देता है, ये थोड़ा सा यू नो एक जगह पे स्पॉट देता है, बट इफ यू आस्क मी आई लाइक दिस। तो मैं नाउ अभी आउटर वी का ब्रश, आई डोंट नो ये कौन सा ब्रश है, बट आई रियली लव दिस ब्रश और मैं यही यूज करती हूँ, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी। प्रोबेबली मैं कोई और ब्रांड का लिंक दे दूंगी सिंगल में, तो आप देख लीजिएगा। तो ये दोनों ही मेरे पास है, कफ्स एंड लैशेज और ये, बट मैं ऑनेस्टली आपको ये कफ्स एंड लैशेज रिकमेंड करूंगी। अभी हम फ्लैट शेडर ब्रश के लिए मैं आपको ये कफ्स एंड लैशेज का E004 रिकमेंड करूंगी। अभी मैं आपको रिकमेंड करूंगी फॉर द आईब्रो और द स्पूली स्विस ब्यूटी का। आईलाइनर ब्रश के लिए अगेन मैं आपको कफ्स एंड लैशेज ही रिकमेंड करूंगी, CS08। अभी हम आईस मजर ब्रश के लिए, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है एज यू कैन सी, बट आई विल चूज कलर बार बिकॉज आई लव दिस। 9 ब्रशेस फॉर योर आई मेकअप एंड 4 ब्रशेस फॉर योर फेस मेकअप। ओके, सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कॉन्टेंट। एंड येस, आपको जो मैंने अभी किट बताई है उसके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। मैं उस नाली मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।